वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस अमेजिंग थिंग दैट इज कॉल्ड ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, हमारी आंख हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे क्यों ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। स्टूडेंट्स, लेट मी डू दिस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमारे पास दो होती है और ये स्फेरिकल शेप है, आपको स्टूडेंट्स देख के ही पता चल रहा है। स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है उसका डायमीटर होता है वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, बच्चों में थोड़ा छोटा होता है लेकिन एडल्ट में नॉर्मली इतना होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी पुट दिस बैक। फाइन स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये ह्यूमन आई जो है दैट इज अ ग्रेट पीस ऑफ इंजीनियरिंग बाय गॉड। स्टूडेंट, जब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भगवान जो ऊपर बैठा है वो कितना बड़ा इंजीनियर है, उसने क्या क्या अमेजिंग फीचर्स हमारी आंख में डाले हैं, कितना सोच समझ के हमारी आंख को उसने बनाया है। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग चैप्टर। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि हमारे आंख का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आई, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अ नाइफ एंड लेट मी कट इट, राइट स्टूडेंट्स, एंड लेट मी नाउ जूम इट। स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। स्टूडेंट्स, ये क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे, बाद में वो कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे, बट अभी हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आई का कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर देख के आपको डरना नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट्स, बट मैं आपको समझा दूंगा जैसे कि बाकी सारे चैप्टर्स में आपको समझाता आया हूं स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले लेंस में स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। स्टूडेंट्स, तो क्या ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स, कैन यू गेस? स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पोर्शन, दिस इज एक्चुअली अ लेंस। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली अ लेंस, जिसे हमने पढ़ा ना स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वैसे एक लेंस हमारे आंख में भी होता है स्टूडेंट्स। और शेप से आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? शेप देखो आप इसका, कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब स्टूडेंट्स, हमारे दोनों आंखों में एक एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को आप? राइट स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक कैच है। देखो, नॉर्मली जो लेंस हमने पढ़ा है जो होता है, जैसे मेरे स्पेक्स में लगा हुआ है, कैमरा में लगा होता है, मैंने आपको बहुत सारे उसके और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए, वो ग्लास का बना होता है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी आंख के अंदर जो लेंस होगा क्या वो भी ग्लास का बना हुआ होता होगा? स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स, ऐसा होता तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, वो अगर ब्रेक हो गया तो हमारी आंख डैमेज हो जाएगी। तो ये ग्लास का बना नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल टाइप के मसल का बना होता है, और वो मसल जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट मसल का बना हुआ लेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आंख में आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे आंख का, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मसल, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है कि ये जो लेंस है, ये आप देखो, ये जो पूरी आई की बॉडी है उससे अटैच्ड होता है थ्रू दीज मसल्स। यहां पे आप देखो, ये एक मसल है स्टूडेंट्स, का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक। वैसे आप देख सकते हो सिलियरी मसल नीचे भी है, और ये जो लेंस है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड होती है थ्रू दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो ऊपर भी है स्टूडेंट्स और नीचे भी। तो स्टूडेंट्स, इन लिगामेंट्स का काम है कि वो लेंस को अपनी जगह पे रखे, ठीक है। लेंस ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे फ्लोट थोड़ी करता रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप देखो, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और फिर सिलियरी मसल्स हैं नीचे भी और ऊपर भी, वो लेंस को अपनी जगह पे रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो, अपनी जगह पे रहे स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो तो आंख में बाहर से ही दिखाई देता है, आपको मेरी आंख में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो देखो, देखो आंख जो है बाहर से ऐसी दिखाई देती है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखो, वो जो ब्लूइश रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और बीच में एक ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो वो जो ब्लूइश स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आयरिस, और जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो ब्लूइश पार्ट है वो अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो दैट इज लाइक अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस इज आयरिस। बीच में कुछ नहीं होता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो बीच वाला पार्ट यहां पे ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है, एंड दैट इज आयरिस। आयरिस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आप स्पॉट कर सकते हैं कहां पर है वो दोनों पार्ट्स।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेंस था, उसके आगे आप देख सकते हो ये ब्लूइश एक लेयर बनी हुई है, आप समझ होंगे ये वही है, सो दैट इज आयरिस। और आप देख सकते हो कि लेंस के सामने बिल्कुल थोड़े से पार्ट में वो नहीं है, तो नहीं है तो वो जो होल टाइप स्ट्रक्चर बन गया दैट इज कॉल्ड प्यूपिल स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, वहां पे कुछ नहीं है, दैट इज अ होल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्यूपिल स्टूडेंट्स, फाइन। फिर स्टूडेंट्स आप देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया है आंख का ये थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है स्टूडेंट्स, और यहां पे कुछ खास नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है यहां पे जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर, तो आप ध्यान देंगे ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट था, ज्यादातर चीजें जो जो आंख में होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट। फिर स्टूडेंट्स यहां पर एक लेयर होती है, पतली से एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया, ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी डस्ट वगैरह को आंख के अंदर आने नहीं देती है, आंख को प्रोटेक्ट करती है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे कई सारे पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है आंख के अंदर, ठीक है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और स्टूडेंट आपको क्या लगता है, क्या ये भी ट्रांसपेरेंट होता होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये जो आपको एंड दिख रहा है, ठीक है, आई का, इसको बोलते हैं रेटिना, दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई स्टूडेंट्स, इसकी हम डिटेल में बहुत बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। फिर आप स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां से कुछ नर्व्स जो है आंख से ब्रेन तक जा रहे होते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, और ये ब्रेन तक जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो आंख से बहुत सारे मैसेजेस और सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाते हैं, जैसा कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थ्रू दीज नर्व्स। अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहां पर जहां पे ये ऑप्टिकल नर्व्स चालू हो रहे हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई, आप देख सकते हो आंख में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड समटाइम्स टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाने पूछा गया स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, क्या आप ऐसा कोई डायग्राम बनाओगे? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा डायग्राम ऑब्वियसली आप नहीं बना पाओगे, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है, आप क्लियरली समझ सकते हो कि पेन से या पेंसिल से, प्रेफरेबली पेंसिल से आप ऐसा डायग्राम पेपर पे बना सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं, और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।